अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सभी रेत से होंगे एंड गुड मॉर्निंग लंदन। हम लोग जी अपना नाश्ते से फारिग होके ना इस टाइम तो स्नैकिंग कर रहे हैं बाहर बैठ के। छोटे दो शुक्र है आराम से बैठी हुई हैं, बाहर नहीं भाग रही हैं, इसलिए मैंने इधर बिठाया हुआ, क्योंकि उधर इस तरह दूर जो है ना कहीं पर बिल्लियों को खाना डाल रही है, और मूसा जो है पहले बाइक चला रहा था। इन दोनों को मैंने पकड़ के इधर बिठाया हुआ क्योंकि हमारे जो एक नेबर हैं वो मूव हो रहे हैं, और उनका जो है ना लोडिंग कर रहे थे वो सामान वगैरह, ट्रक खड़ा है। फिर ये लोग रास्ते में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इनको मैंने तो पूछ के अंदर बैठाया हुआ, और गेट मैंने बंद किया हुआ है। बारिशों का बड़ा मौसम शुरू हुआ है आज। इनके बाबा जो हैं वो घर पर हैं, लेकिन वेदर की वजह से बहुत ज़्यादा बाहर निकलने वाले प्लान जो है ना वो मुझे पता था जुलाई एंड तक ही होते हैं। अगस्त में बिल्कुल भी बारिशें रुकती नहीं हैं, पर जब जब बारिश रुकती है हम इधर तो कहीं बच्चों को ले जाते हैं। लेकिन आउट ऑफ द लंदन प्लान तो अब ऐसा लगता है कि जैसे वेदर के हिसाब से ही बनेगा, बट इंशाल्लाह वो ये होपफुल। मैंने अंदर कुकिंग स्टार्ट की हुई है, ख़त्म होने वाली है, और बच्चे अपने अपने कामों में मसरूफ हैं बाहर। मूसा को ना ऊपर से किसी के ना ऊपर से कुछ पौधा गिर गया था। मूसा कहता है कि इसमें मर जाना पौधा। वो नेबर जो मूव हुए ना वो यहाँ पे रख गए थे प्लांट पॉट समेत, उनको पता माना बड़ा शौकीन है। सही बताओ, अच्छा मैं पानी लेके आ रहा हूँ। मैंने पानी मानी ने एकदम देख करके उसके अंदर लगा दिया है। बहुत प्यारा है मानी, है ना? हो गया, आर यू डन? क्योंकि उनको पता है इन बच्चों को प्लांट्स बहुत पसंद है। उन्होंने पहले भी जो नेक्स्ट डोर नेबर है ना उन्होंने इसको दिए थे प्लांट्स, और साथ उसने सीड्स दिए थे सनफ्लावर के। हमने पका के मार के उनको फेंक भी दिया, एक साल पहले उसने दिए थे। ये अभी वो लोग कल मूव हुआ है, और मूव होने से पहले उन्होंने कुछ प्लांट्स जो है ना वो इधर रखे हुए थे पॉट्स में, बिल्कुल हमारे घर के सामने। पता था मानी बाहर निकल के करेगा माली पुना, लगा लिया ना उसने। अब इसको पानी भी देना। अच्छा बस कर देना मानी, कटना ना चाहिए नीचे से कटना। चलो आ जाओ हैफ अंदर आ जाओ मेरे बेटे, तुम्हारे बालों के साथ क्या हुआ है? मूव वाले बच्चे बारिश में नहीं नहा सकते, थोड़ी थोड़ी पड़ रही है कन्या, अंदर हो जा। क्लिप्स मम्मा लगा देती है, चलो आओ उसको। बाहर अभी भी हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, और जब भी बारिश होती है ना यहाँ पर थोड़ी सी ठंड भी हो जाती है बच्चों के लिए। और मेरे बच्चे जो हैं आइसक्रीम के शौकीन, उनकी नोज़ियाँ अक्सर ही बंद रहती हैं, तो मैं उनको अंदर ले गई थी। असद जो है उनकी आज छुट्टी है, अभी तो फिलहाल मैं कुकिंग कर रही हूँ। सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम तो कोई नहीं, लेकिन आफ्टरनून में 4-5 बजे हम शायद बच्चों को बाहर कहीं ले जाएँ और उनको थोड़ा सा वॉक करवा के लाएँ। इनको वॉक करवानी बहुत ज़रूरी होती है जी। ये कुकिंग मैं कर रही थी, कुकिंग में आज हम वेजिटेबल चाउमीन बना रहे हैं। कोई चिकन कोई मीट नहीं है आज, मीट फ्री चिकन फ्री डे है। कभी कभी जो है ना सबको उलझन होने लग जाती है किसी भी किस्म की बोटी से अंदर, ना वो चिकन की हो ना लैम की हो, तो फिर हमारे वेजिटेबल डेज चलते हैं। जब तक बच्चे तंग ना आ जाएँ तब तक हम वेजिटेबल खाते रहते हैं। मेरे ये सबको पसंद है, इससे तंग नहीं आते वो। लेकिन मैं बच्चों के लिए बीच में एक दो बार चिकन या गोश्त बना लेती हूँ, लेकिन असद का जो है ना नो मीट डेज, कभी कभी डेज तक नहीं, कभी कभी वीक तक भी चलता है। ही इंजॉय दिस वे, वो कभी कभी तंग आ जाते हैं गोश्त वगैरह खाने से, तो खाली वेजिटेबल या उसके अंदर कोई चीज़ भी शामिल कर लेती हूँ मैं, या कभी कभी सब्जी का सालन बना लेती हूँ। बहरहाल वीक के बाद ठीक हो जाते हैं। ओके जी, कुकिंग मेरी ख़त्म हो गई है एंड इट इज़ टाइम टू डू एक्टिविटी ऑफ टुडे। आज की जो एक्टिविटी है वो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है, इस तरह की मनपसंद। कभी कभी बुक्स ली होती है मैंने, बुक पढ़ने कहती है तो इस तरह का तो वो काम ही नहीं है, वो तो बिल्कुल भी उसको बुक रीडिंग पसंद नहीं है। मूसा एंड हफ्सा, मूसा लव्स बुक्स, हफ्सा जो है उसको पढ़ने नहीं आती, लेकिन फिर भी उसको शौक है किताबों का, आई कैन टेल। पर ये जो बच्चा है ना इसको खुद ज़रा बिजी रखना पड़ता है। चलिए ये पैकेट हमने खरीदा था, लेकिन इसके अंदर है दो हेयर बैंड, एक पर्पल, विच वन यू वांट? दो हेयर बैंड हैं, एक क्लिप भी है इस तरह, और एक ये उन्होंने मेरे को डबल साइड टेप भी दी है। मैंने सारी चीज़ें निकाल के इधर रखो, मैं देखती हूँ। इसका इंस्ट्रक्शन पेज था, बड़ी देर से उधर पड़ा हुआ है। अच्छा ये बीड्स हैं जी, और ये है, मैं बताऊंगी इसको कैसे यूज करते हैं, बड़ा इजी टू यूज होता है। इंस्ट्रक्शन व्हाट वी डू इज इट पोनी करके ना, तो पोनी को इसके अंदर से गुजार के तो पुल इट अप लाइक दिस, तो एक दोनों साइडों पे एक ट्विस्ट बनता है, मैं बना के दिखाऊंगी। सो गुड थिंग। कौन सा वाला आप सक है? आई वांट द पिंक वन, हाफ ऑफ वांट्स दैट या हाफ ऑफ पर्पल। दिस इज द रिबन, ये इसकी पोनी बनती है, इलास्टिक है इसके अंदर। ये है, ये इसकी इलास्टिक ही है इसके अंदर। हाफ ऑफ कैन यूज द इलास्टिक। दो रिबन है, छोटे वाले सिल्वर और पर्पल क्लिप्स हैं, इसको आप ग्लू और ये जो है ना इसके साथ डेकोरेट कर सकते हैं। इसके साथ छोटा सा कैच है, उसको भी कुछ। ये अभी आप लोग सिर्फ अपना हेयर बैंड करो, हर चीज नहीं खोलो, मिक्स हो जाएगा। ये ग्लू है, ग्लू बहुत छोटी है, और ध्यान से यूज करना, ठीक? खत्म हुई तो गई, मेरे पास और नहीं है स्पेयर। ये जो है ना ये उन्होंने हेयर बैंड से ले दिए हुए, तुम बता करो। आई
use this one and this. और ये उन्होंने फ्लावर दिए हुए हाफ ऑफ करना उसके साथ लड़ाई नहीं हो सकती ये भी इसके साथ ही हेयर बैंड्स के साथ चलो जी इसको बनाते हैं अभी बहुत खूबसूरत सी ये किट थी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी बड़ी अच्छी क्वालिटी की थी लेकिन जब भी उन्होंने इस तरह की किट बनाई होती है और उसके अंदर ग्लू होती है ना तो वो 9 out of 10 टाइम ड्राई ही होती है इसकी ग्लू भी ड्राई थी तो मैंने ऐसा कि ड्रा से सुपर ग्लू निकाली है अब सुपर ग्लू निकाली है तो वो लगानी भी होती है इनके हाथ में मैं नहीं देती हूँ सुपर ग्लू मैं खुद ही यूज़ करती हूँ ये आफ्टरनून का टाइम है शुक्र है इस टाइम बारिश रुकी हुई थी तो बच्चों को वॉक करने के लिए हम बाहर ले गए थे ये हैकनी का एरिया है इसके साथ साथ कनाल है और उसके अंदर बोट्स हैं देखने के लिए डक्स हैं बच्चों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हैं और वॉकिंग ट्रैक है ये कनाल चलती चलती सेंट मैंक्रस तक चली जाती है वहाँ पर भी आप शायद मैंने आपको दिखाई थी थोड़ा सा टाइम बच्चे वॉक करते हैं बाकी टाइम बच्चे गुद्दी चढ़े होते हैं जैसे कि अभी चढ़ी हुई हैं दो अदद क्योंकि छोटे बच्चे जो हम इतना ज़्यादा वॉक नहीं करते और ये बड़ा नैरो सा पाथ था जॉगिंग ट्रैक उसके ऊपर प्रैम नहीं लाना चाह रही थी मैं तो इनको वॉक करवा रहे थे इसके ऊपर छोटा पीसेस करो वो छोटे हैं बच्चे उसके बिल्कुल छोटा करो ऐसे फेंको फेंको एक एक दो दो फेंको इसका तेरा पीछे गिर गया है फेंक जल्दी बड़ा पीस ठीक है ये पीस इसका थोड़ा पीस नो थ्रो इट फर्दर Coming. I want you to come close. He's running away with the food. Oh, it's a 30 degrees walk. The mom duck. The mom duck got the little bird, and then the baby duck snatched it from the mom. देखो उसकी मामा नीचे से जाके लेके आई है देखो बेबीज को दे रही है हाँ वो नीचे से निकाल के लाई है बेबीज को दे रही है वो देखो डर गई उनको भी एक इस तरह इस बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है छूट के जा रहा है ये जा रहा है पामू चल रहे हैं उसके नीचे से बाबा ने पकड़ा हुआ है इसको जी जान हफा पीछे होके खड़ी हो गिर जाओगे यार बैठ गया नीचे इधर फेंको इधर आप तक हनी भी देखे इधर फेंको इसके आगे हनी के आगे ऐसे अभी तुम इतने आगे ना जाओ यार अंका को तो नहीं ना खिलानी रोटी वो तो उतरने लगे हैं यहाँ पे I thought it's real and you got it out. That one. Light off. Light off. It's like a sticker on the floor. So Raja, look, the girl has got one as well now. चला यहाँ पे डॉग्स को थोड़ा सा खाना खिलाया था बच्चे जो हैं आजकल बड़े शौकीन होते हैं पेट्स के पेट का बड़ा शौक है उनको तो यहाँ आके ना थोड़ा सा इनका शौक पूरा कर ले जाती हूँ आई एम नॉट अगेंस्ट कीपिंग पेट्स लेकिन मुझे पेट्स सिर्फ घर से घर की चार दीवारी से बाहर अच्छे लगते हैं घर के अंदर फिरते हुए आई डोंट नो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है कोई भी पेट जो है ना घर के अंदर रखा हो और वो कमरों में जा रहा है बेड पे बैठ रहा है पता नहीं आई एम नॉट अगेंस्ट कीपिंग पेट्स लेकिन बच्चे बड़ी देर से पीछे लगे थे उनको बिल्ली रखनी थी और मैंने बिल्कुल भी हाँ नहीं की अभी फ़िलहाल हमारे घर के बाहर बहुत सारी बिल्ली हैं उन्हीं को खाना खिला के ये खुश हो जाते हैं ये जनाब इनको थोड़ी सी सैर सपाटा करवा दिया था और ये आखिरी फोटोशूट चल रहा है इसके बाद हम इनको घर ले गए थे क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई थी बारिश जो है हर एक घंटे बाद थोड़ी सी होती है भागते हैं फिर सब घर को ये हम घर ले आए थे वॉक इनके लिए इसलिए ज़रूरी मैंने बोला है कि बच्चों के ना आजकल नींद के साथ बड़े इशू चल रहे हैं स्पेशली बड़े बच्चे जो हैं
शायद वो मेंटली तौर पर बड़े रिलैक्स हैं तो नींद भी नहीं आती है। फिजिकली हम जितना मर्जी इनको टायर्ड कर ले, सारा दिन मैं जब असद अभी तो असद घर थे तो हम इनको वॉक करवाने ले गए हैं, वॉक भी बहुत सारी करवाई है, लेकिन जब असद घर पे नहीं होते तो मैंने तो बाहर पार्किंग में बहुत साइकिल चलाते हैं ये। मैं 5-6 बजे खुद वॉक करने बाहर जाती हूँ तो इनके साथ खेलती भी हूँ, ये भागते भी हैं, लेकिन हमारा नींद जो है ना वो फिर भी हमें कम आती है। और सुबह सुबह हम 6 बजे जो है ना उठ के बैठ गए होते हैं। यहाँ पे किसी को ज़बरदस्ती का प्यार मिल रहा है जो कि मैंने ऑन कैमरा ऑन टाइम पकड़ लिया है। नॉर्मली इसको डांटते तो कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, जस्ट डन अ केयरफुल वन। ये था जी हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।